गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। आईटीजेई और नीट के प्रिय विद्यार्थियों, कंडेंसर कैपेसिटर एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया गया था। कूलाम्स लॉ गॉस थ्योरम खूब अच्छे से हम लोग समाप्त कर लिए हैं। कंडेंसर ये सुपीरियर टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक है, अंतिम और थोड़ा सा दमदार भी, कुछ मजेदार है। इसमें अब सर्किट बनना शुरू हो जाएगी। सर्किट इसमें किरचाफ जैसे खतरनाक साइंटिस्ट आ जाएंगे, किरचाफ ऐसे बड़े साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होने वाला है चार्ज वगैरह निकालने के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज जो हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, यहीं पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। काफी टेक्निकल चीजें मिलने वाली हैं, अभी तो बेसिक ट्रैक पे हम लोग मोटी मोटी बातें केवल इकट्ठा कर रहे हैं। कल देखा गया था कैपेसिटी की डेफिनेशन, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस लिखते भी हैं, लेकिन वी का सही नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में बढ़ोतरी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, चार्ज दिए वो चार्ज कितना बढ़ाया उससे मतलब है। पहले से कितना पोटेंशियल था यहां पर कोई मतलब नहीं है, चार्ज देने के बाद कितना राइज किया, कितना बढ़ गया, 5 वोल्ट था 12 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट है, 5 या 12 नहीं इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच की गैप कितना बढ़ा है ना। V क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस राइज इन पोटेंशियल। यूनिट क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट या फैराड, फैराड बड़ी यूनिट है, इसकी छोटी यूनिट मिली माइक्रो नैनो ये सब तमाम हम लोग निकाल लिए। कंडेंसर के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी क्यू इंटू वी बैटरी की होती है। एनर्जी जैसे भूल रहा हूं तो अपना ऐसे याद करिए, V क्या होता है W बाई क्यू, और वर्क डन ही एनर्जी की तरह होता है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैटरी के पास कितनी एनर्जी होती है क्यू वी। हमने समझा भी दिया है कि बैटरी के पास जितनी एनर्जी होती है उसका 50% कंडेंसर रख पाता है, बाकी 50% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, हीट लाइट और साउंड के फॉर्म में, बेसिकली हीट के फॉर्म में ज्यादा सपोज करते हैं। तो W इक्वल टू क्या है जी, क्यू वी, क्यू वी आता है लेकिन आधे रख पाता है, हाफ क्यू वी। अब क्यू की जगह सी वी रख दे, क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, यहां से इस फार्मूले से सी वी, तो सी और वी के स्क्वायर, हाफ सी वी का स्क्वायर, और वी की जगह क्यू बाई सी रख दे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये तीन फार्मूले मिल गया, तीनों को एकदम चुटकियों भर में निकाल लिया। एक मन में याद रखना है, बैटरी के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, क्यू वी, और कंडेंसर कितना रख पाता, आधा क्यू, हाफ क्यू वी हो गई, कंडेंसर की एनर्जी हाफ क्यू। अब इस फार्मूले से क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी, C और V रखने तो V स्क्वायर हो गया, हाफ से V स्क्वायर। इसी फार्मूले से V लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, Q और बाई सी, Q और बाई सी रखें तो Q स्क्वायर बाई सी, ये होगी है कि नहीं, सब एकदम एक धागे से सब लोग जुड़े हुए एकदम अटैच है। चलिए आज थोड़ा सा आगे सीखना हम लोगों को, दो चार्ज कंडक्टर हो, अभी कंडेंसर या कैपेसिटर मेन टॉपिक है, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। शुरुआत में दो चार बातें ऐसे इकट्ठा किए थे कि कंडेंसर बनाने के लिए दो प्लेट होनी चाहिए, एक प्लेट को चार्ज हम लोग देते हैं जानबूझ करके और दूसरे को अर्थिंग करा करके इंडक्शन के जरिए चार्जिंग का इंतजार करते हैं, ऐसे वेट करते हैं इंडक्शन का, और इंडक्शन के जरिए जो चार्ज कलेक्ट हो रहा है अपोजिट साइन के साथ सेम मैग्नीट्यूड में डेवलप हो जाए तो कंडेंसर है, अदरवाइज मान लिया कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे नहीं, कंडेंसर होने के लिए क्या शर्त है, चार्ज एक को दीजिए दूसरे को अर्थिंग करा के ले आइए, और जिसको अर्थिंग करा के ले आए हैं उस पर सेम अमाउंट में चार्ज, माने देने वाला चार्ज अगर क्यू है, अगला वाला चार्ज क्यू डैश जिसको इंडक्शन वाला बोल रहे थे वो माइनस क्यू आ जाए तब तो समझिए कंडेंसर है, नहीं तो कॉम्बिनेशन है, एक संयोग है। चलिए आज देखना है दो कंडक्टर हैं, दोनों पर चार्ज है और दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो एनर्जी में लॉस कितना होता है, चार्ज का बंटवारा कैसे होता है, तमाम चीजें। पहले का पोटेंशियल V है, दूसरे पोटेंशियल, पहले को V1 है दूसरे को V2 है, दोनों को कनेक्ट करने पर नेट पोटेंशियल V कितना आता है, कई चीजें जैसे थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक ग्लास में 200 ml पानी है, 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है,
दूसरे ग्लास में 100 ml दूध है, मिल्क है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है, गर्म पानी दूध मिक्स कर दीजिए, मिक्स करके 2-3 बार ऐसे पोर कर दिया, आपस में मिक्सअप हो जाए अच्छे से। तो कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, 80 होगा कि 20 होगा कि 50 होगा, बोलिए 80 20 कि 50। तो 50 उपटी मत बोलिएगा, 50 नहीं बोलना है कि सीधे ऐड करके हाफ कर दे, अर्थमेटिक में ले लिया। अक्सर बच्चे एक प्लान बनाते हैं कि ऐड करना हाफ करना है ना, ऐड करने वाली हाफ करने वाली बात नहीं। पहले यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोनों का अमाउंट सेम हो और दोनों मटेरियल एक हो, तब टेम्परेचर ऐड करके हाफ। बस एक ही सूरत में होता है T1+T2/2, मिक्सर टेम्परेचर दोनों को ऐड करके हाफ करने की टेक्निक कॉमन नहीं है, ये स्पेशल है। कब लगाते हैं, जब दोनों कहा जाए 200 ml पानी, 200 ml पानी, एक 200 ml पानी का टेम्परेचर 80 है, दूसरे 200 ml पानी का टेम्परेचर 20 है, तब बताइए मिक्सर टेम्परेचर, तब कहेंगे 80+20/2 50 डिग्री सेल्सियस ना। तो जनरल में इसका फार्मूला निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट के साथ क्या रिलेशन है, अमाउंट साथ क्या डिपेंडेंसी है, तब निकाल कर तब बोलना। नहीं तो सोचिए कितना घातक हो जाता आइसक्रीम खाना, गर्मियों में जो आइसक्रीम खाते हैं कितना फैटल हो जाता, कितना घातक। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है। और बर्फ का जो ऐसे बर्फ लोग आइसक्रीम खाने का आनंद ले रहे हैं, बर्फ टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, बोलिए। अब मिक्सर टेम्परेचर जो आप बर्फ खा लिए, पूरे बॉडी पूरे सिस्टम टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, आपकी देहाती टेक्निक जो ऐड करके हाफ करने वाली है, 37+0/2, बोलिए कितना आ गया ये, बोलिए 18.5। और 18.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हो जाए, इसका मतलब संगम जाने की स्थिति हो गई, समझ पा रहे नहीं, फैटल है, घातक है। आइसक्रीम को छूता ही नहीं, बर्फ को हाथ लगाए पता लगा टेम्परेचर घट गया, डेथ हो गई। यही नहीं, सबसे बड़ा विष पॉइजन तो बर्फ हो गई, छूने से, खाने की बातें छोड़िए, नुकसान होता तक नहीं। यहां पर ये रूल थोड़ी होता है बर्फ खाने से कोई किसी की डेथ हो जाए, ऐसा सुने कभी, कुछ भी नहीं। कितना सर्दी हुआ है, कितना कोई समस्या हो, क्योंकि पूरे बॉडी टेम्परेचर, बॉडी आपकी बड़ी 50-60 किलो की है, मास हैवियर है 70 किलो की, बोले। और फिर बर्फ 50 ग्राम है, अमाउंट में डिफरेंस है, और आपकी बॉडी की स्पेसिफिकिटी, उसकी स्पेसिफिकिटी, सब डिफरेंस है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा लेकिन बहुत हल्का सा पॉइंट में, समझ पा रहे नहीं, 37 के आसपास हम बना रहेगा। चलिए, हाँ तो यहां कुछ हम पूछने वाले थे आपसे, ये पूछने वाले थे कि बताइए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, शेयरिंग या रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप चार्जेस, और यहां एक बॉडी पर नहीं, दो बॉडी को कनेक्ट करने का इफेक्ट देख रहे हैं। पहली बॉडी की कैपेसिटी C1 है, दूसरे कैपेसिटी C2। पहले पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज, पहले का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2। आप लोग वैसे बनाते रहिए, पहले की इनर्जी U1, कैपिटल U1, दूसरे की U2, ये सब अपना अपना है ना, इसके पास क्या क्या हमने शो कर दिया, इसके पास क्या क्या है उसको कर दिया। अब कोई कंडक्टिंग वायर हो, एल्यूमिनियम का वायर हो, कॉपर का वायर हो, कोई तार हो, लोहे का तार हो, जोड़ दिया जाए, जोड़ दें तब क्या होगा, बोले, तब चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, किधर से किधर, क्या हायर टू क्या लोअर, बोले। जैसे हमने कहा इस पर चार्ज है 10 कूलाम, इस पर चार्ज है 2 कूलाम, बताइए चार्ज का फ्लो किधर होगा, फर्स्ट से सेकंड पर होगा, सेकंड से फर्स्ट पर होगा, फर्स्ट से सेकंड की सेकंड से फर्स्ट, हाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, चार्ज का डिफरेंस मायने नहीं रखता, इसका डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। तब यहां पे बताना पड़ेगा कौन बड़ा है। चलिए हमने ऐसे धीरे से कार में बता दिया कि देखिए भाई आज V1 बड़ा है, V1 इज ग्रेटर दैन V2। अब V1 ग्रेटर है तो चार्ज का फ्लो पहले से दूसरे पर, पहले से दूसरे,
समझ पा रहे हैं? और तब तक फ्लो होता रहेगा चार्ज, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज नहीं सेम हो करना है, क्या सेम करना है? पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो कराने के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? चार्ज का डिफरेंस कि पोटेंशियल की डिफरेंस, कि एनर्जी की डिफरेंस, कि कैपेसिटी की डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, बस एक बात पे अडिग रही है। जैसे आपसे कहा जाए चार्ज का मतलब, आप सीधे समझिए चार्ज का मतलब ऐसे समझिए जैसे ग्लास में आप वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो चार्ज मतलब पानी से समझिए आप, समझ पा रहे हैं? चार्ज कंडेंसर पर, कंडक्टर पर रखा जा सकता है, तो ऐसे ग्लास में पानी रखा जा सकता है। चार्ज को मन में पानी की तरह ट्रीट करिए, पानी है चार्ज। चलिए अब आप बताइए, एक 50 लीटर का कंडाल है, पूरा कंडाल है 50 लीटर का स्टील वाला कंडाल, उसमें पानी भरा गया है, और एक 1 लीटर वाली बाटल है उसमें पानी भरा गया है, और दोनों को पिचकस से होल कर दिया, उसकी बॉडी में होल कर दिया, उसके बॉडी में होल कर दिया, और जो पाइप होती है बाटल चढ़ाने वाली पतली वाली पाइप, पाइप इसमें डाल करके बढ़िया चारों तरफ फेविक्विक लगा दी, पाइप उसमें डाल के फेविक्विक एकदम पैक कर दिया। सीन समझ रहे हैं? 50 लीटर कंडाल है, पानी भरा गया है, 1 लीटर की बाटल है उसमें पानी भरा गया है, दोनों को होल करके पाइप से कनेक्ट कर दिया गया। बताइए किसका पानी किसमें फ्लो करेगा? कंडाल 50 लीटर है और बाटल में 1 लीटर, बाटल का पानी कंडाल में कि कंडाल पानी बाटल में? देखिए आप लोग आंसर बता रहे हैं इसका मतलब जानकार कम है, पहले सिचुएशन को तो समझिए, सिचुएशन समझिए है कहां वो चीज। जैसे हमने कहा कि कंडाल यहां तख्ते पर रखा है, 50 लीटर कंडाल इतना बड़ा है, तख्ते पर रखा है, और 1 लीटर बाटल ऐसे हाथ में लिए हैं, देखिए सीन, पाइप से जुड़ा है, किसका पानी किस में जाएगा? कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि 1 लीटर है नहीं जाएगा? लीटर से क्या मतलब है, अमाउंट से क्या मतलब है कि नहीं? लेवल पर डिपेंड करता है, लेवल, लेवल हाइट पर, और हाइट को जब फिजिक्स के लैंग्वेज में अच्छे से बोलना है तो पोटेंशियल एनर्जी पर, किस पर? पोटेंशियल। अगला एक्शन, बाटल को ऐसे नीचे रखिए और पूरे 50 लीटर वाले कंडाल को ऐसे उठा लिए, ऐसे उठा लिए, बताइए अब किसका पानी किसमें? कंडाल वाला बाटल, यानी किस बात पर डिपेंडेंसी है? वाटर के अमाउंट पर, उनके लेवल पर, लेवल पर, कौन सा लेवल? पोटेंशियल का, एनर्जी लेवल, समझ रहे हैं? यहां पर किस बात पर डिपेंडेंसी है? पोटेंशियल किसका ज्यादा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा, ज्यादा से कम की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। फिगर बना लीजिए, हायर टू लोअर फ्लो होता है, लेकिन हायर लोअर में पूरी बात बताना पड़ता है, कौन सा क्या हायर होना चाहिए, पोटेंशियल हायर होना चाहिए। अब कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसी सेम वाले पोटेंशियल को ना वन ना टू, अब केवल वी लिख दे रहे हैं, इसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। क्या नाम है? कॉमन। यहां देखिए तीन इंपॉर्टेंट बातें यहां डिस्कस करनी होती हैं। पहला है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन V इक्वल टू क्या लिख दें? टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज बताइए पहले पर प्लस दूसरे पर, टोटल कैपेसिटी बताइए पहले की कैपेसिटी प्लस दूसरे कैपेसिटी, V इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी वन प्लस। ये कॉमन पोटेंशियल बड़ा आसान सा अच्छा वाला रिजल्ट आया। अब कोई पूछे Q क्या होता है, हम लोग कहेंगे Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, तो पहले के लिए बोलिए क्या लिख दें? C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या लिख दें उसी टोन में? C2 V2 बोलिए, और डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2। ये सबसे अच्छा वाला रिजल्ट है। कॉमन पोटेंशियल का क्या फार्मूला? चार्ज पता हो तो Q1 plus Q2 by V1 plus C1 plus C2, चार्ज ना पता हो तो C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2। ये लास्ट वाला फार्मूला ज्यादा कीमती है आपके लिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग माने बचा, पहले कितना चार्ज था पहले बॉडी पर,
Q1 था, आप मान लीजिए कितना बचत कर देंगे, Q1 के डेस दूसरे बॉडी पर पहले कितना चार्ज था बिफोर कनेक्टिंग लीड, बिफोर कनेक्टिंग वायर, दूसरे बॉडी पर टोटल चार्ज कितना था जी, Q2 था, लेकिन जोड़ने के बाद कितना बचत कर दे रहे हैं, Q2 को डैश जिसे पहचान में आता रहे। बोलिए Q1 का डैश क्या होगा, Q1 का डैश बचा हुआ चार्ज। सीधी सी बात, जब चार्ज चला गया यहां पर, यहां पर चार्ज कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, कितना, अरे वही जो गया वही नुकसान हुआ, Q1 में से Q को सबट्रैक्ट कर, हो गया कितना आसान से रिजल्ट। और गया है तो कहीं नुकसान थोड़ी इस पर पहुंचा है, इस पर कितना चार्ज हुआ Q2 और बस, साधारण से सोच हम लोगों की पूरा पूरा जवाब दे गई। Q1 डैश हो गया आपके लिए Q1 माइनस Q, इधर से गया तो उधर पहुंचा है, उधर प्लस कर देना है, बस हो गया काम। और कुछ लिखना अगर आप चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए ना, वही टोन Q=CV वाले टोन में। बताइए जोड़ने के बाद, कनेक्ट करने के बाद उसकी कैपेसिटी क्या है पहले वाले की, कहेंगे C1, और पहले वाले पोटेंशियल क्या हो गया, अब न V1 न V2, अब तो V हो गया जोड़ने के बाद। इसी Q1 डैश को नए तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, C1 इंटू केवल V करके, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल V हो गया। इस Q2 डैश को कैसे निकाल सकते हैं, C2 इंटू, जहां केवल सादा सादा Q क्या है, वेयर Q क्या है, Q है आपके लिए ट्रांसफर्ड चार्ज, कितना चार्ज यहां से यहां कूद करके आया है, इसका नाम क्या है, ट्रांसफर्ड चार्ज। ट्रांसफर्ड चार्ज, अब इसे ट्रांसफर चार्ज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन की मदद से, स्मॉल क्यू तक पहुंच सकते हैं आप। नोट हो गया, तीसरा सबसे खास पॉइंट है, कनेक्ट करते समय जैसे दोनों चार्ज हैं, जैसे एक तार टच करा कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले जैसे तार टच कराते हैं तुरंत स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस होता है, ये वायर धीरे धीरे चार्ज को फ्लो कराते कराते वायर इसे गर्म हो जाता है ना, हीट डेवलप होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉस इन एनर्जी, एनर्जी के कितना नुकसान होता है, लॉस इन एनर्जी, ये लॉस का मतलब कंफर्म है आप कि पहले वाली कंडीशन ठीक ठाक थी, बाद में बड़ी खस्ता हालत हो गई, वर्स्ट कंडीशन हुआ, लास्ट मीनिंग क्या है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी फाइनल में कम हुआ है। बताइए आप इनिशियल में शुरुआती दौर में क्या एनर्जी थी, शुरुआती दौर में क्या एनर्जी थी बताएंगे, अरे शुरुआती दौर में तार जब नहीं जुड़ा था तो दोनों लोगों की अलग अलग एनर्जी थी, पहले की U1 थी दूसरे की U2, अब बाद में जब तार जोड़ दिए तो केवल और केवल U हो गया, बात समझ रहे होंगे आप लोग, इनिशियल में दो लोग थे U1 प्लस U2। अच्छा इनिशियल एनर्जी लिखना चाहें तो पहले वाले की पर्सनल C1 इंटू V1 की स्क्वायर, ये बिफोर कनेक्शन की बात है, बिफोर कनेक्शन में दूसरे वाले क्या एनर्जी रही होगी, हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर, V2 के स्क्वायर माइनस, जब तार जोड़ दिए तब क्या एनर्जी हो गई, तब तो न पर्सनल की बात ही खत्म, 1-2 लगाना ही नहीं है, तब सबके लिए हो गया हाफ केवल केवल सी और केवल केवल वी का स्क्वायर। कोई पूछे सी कितना है तो आप कहेंगे C1 प्लस C2 नेट कैपेसिटी, कोई पूछे वी कितना था आप कॉमन पोटेंशियल, ये यहां बड़ा फार्मूला रखे हैं देख रहे हैं, वही वैल्यू फीड कर दीजिए, फीड करके उसे सॉल्व कर लीजिए। ये डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या है, लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में कितना घाटा लग रहा है, कितनी एनर्जी लॉस कर गई, नुकसान कितना हो, लेफ्ट में सब डेल्टा यू ही है, डेल्टा यू है। अभी आपको मैकेनिक से कंपेयर करवाते हैं उस कोलिजन वाले चैप्टर से जिसमें
काइनेटिक एनर्जी में लाश देखा गया था, लाश इन काइनेटिक एनर्जी। अभी वहां वाला फार्मूला भी भूल गए होंगे आप लोग, याद करा देते हैं। यहां वैल्यू रखिए, डेल्टा यू हो जाएगा हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ सी टू और वी टू का स्क्वायर, और ये माइनस हाफ सी, केवल सी का मतलब दोनों सी वन प्लस सी टू, केवल वी का मतलब वी वन प्लस वी टू नहीं, केवल वी का मतलब कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल फार्मूला थोड़ा भारी भर कमाया है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाई सी वन वी टू, सी वन प्लस सी टू है, बोले मित्र जैसे लड़खड़ा जा रहे हैं, ये है बोले। तो डेल्टा यू आपके लिए तैयार हुआ ओवरऑल, जैसे ये देखिए सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट लगा होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, एक बार कैंसिल कर कट जाएगा कि नहीं, लेकिन एक तो सी वन प्लस सी टू डिनोमिनेटर में रहेगा अभी होगा, तो ये कितना आ जाएगा जी, हाफ तो कम नहीं ले लीजिए सबसे बाहर सी वन वी वन का और बोलिए सी टू वी टू का स्क्वायर, माने हाफ बाहर है जी, और ये सी वन प्लस सी टू कट गया नीचे से डिनोमिनेटर में, एक तो बचा बल्कि सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर ऊपर कर दीजिए, नीचे के लिए कट बचा है सी वन प्लस सी टू, सही है बोले। इस सी वन सी टू को पकड़ करके सबके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो होल बाई सी वन प्लस सी टू लिखने लायक हो जाएंगे, एलसीएम काम हो जाएगा। तो सी वन प्लस सी टू को मल्टीप्लीकेशन किया जाए, ये बन जाएगा आपके लिए हाफ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी वन प्लस सी टू, सबसे बाहर लिख लिया। हाँ तो यहां देखिए सी वन मल्टीप्लीकेशन करें, सी वन स्क्वायर वी वन का सी वन मल्टीप्लीकेशन यहां करिए, सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर, सी वन से मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया। अब किसको उठाए, सी टू को, सी टू को उठाइए यहां ले आइए, प्लस सी वन सी टू और वी वन का सी टू पकड़िए यहां भिड़ाइए, प्लस सी टू का स्क्वायर और इंटू वी टू का स्क्वायर, सही है। माइनस अब होल स्क्वायर चलेगा, होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है, लेकिन माइनस साइन लगा होने की वजह से हर जगह माइनस माइनस लगाती जाएगी, सी वन स्क्वायर वी वन का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कम हो इसका करिए, माइनस सी टू स्क्वायर और वी टू का स्क्वायर, माइनस टू ए बी टू सी वन सी टू वी वन वी टू, क्रम से लिख दीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज बाहर लिए ही, क्या कैंसिल ये पार्ट इससे, चार लोग कैंसिल, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस में है यहाँ माइनस में कैंसिल हो, सी टू वी टू स्क्वायर और सी टू वी टू स्क्वायर कैंसिल। अब बचे हुए पार्ट में से क्या बाहर ले सकते हैं जरा गौर से देखिए, क्या बाहर ले सकते हैं, सी वन सी टू सी वन सी टू सी वन सी टू है कि नहीं, ऊपर से क्या कॉमन ले लें सी वन इंटू, और नीचे तो भाई बाहर टू सी वन प्लस सी टू है ही, तो यहां बचा हुआ मैटर बोलिए क्या लिख देंगे, v2 के स्क्वायर यहां प्लस v1 के स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 बह रहे हैं 2v1 और इनटू, तो क्या आया फाइनल रिजल्ट, ये क्या है जी जरा देखिए, तो बोलिए बोलिए किसका होल स्क्वायर, v1 माइनस v2 का, अच्छा कोई v2 माइनस v1 कह देता तब भी चलेगा क्योंकि होल स्क्वायर में साइन चाहे जो रहे चलेगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए दोनों होल स्क्वायर एक ही होता है, इसको लिख दिया हमने वी वन माइनस वी टू का या वी टू माइनस वी वन होल स्क्वायर, इसको आप याद रखिए, दिस विद रिक्वायर्ड रिजल्ट नोट में, इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में तो मैकेनिक्स के किस टॉपिक में, कोलिजन वाले टॉपिक में याद दिला रहे हैं भाई कि डेल्टा के लिखा गया था टक्कर में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, डेल्टा के
याद है M1 M2 by 2M1 plus M2 और into U1 minus U2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला था। अब किसके लिए था ये? फॉर कौन सा कोलिजन? इनइलास्टिक। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक वाले में तो कोई लॉस ही नहीं होता था। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक यानी अब आप मन में कंपेरिजन स्टार्ट कर दीजिए। मास का रोल, जो काम मास करता था मैकेनिक्स में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कर रहा है? कैपेसिटी। जो काम वेलोसिटी करता था वही इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कर रहा है? पोटेंशियल। यही है कंपेरिजन। इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या लिखते थे, याद है? हाफ एम वी का स्क्वायर, बोलिए। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी फार्मूला क्या लिखते हैं? हाफ एम करोल सी, और ये वेलोसिटी करोल कैपिटल वी, पोटेंशियल हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी सुविधा होगी देखिए पढ़ने पर। ऐसे और लोग भी सोचते थे, जो साइंटिस्ट लोग थे उनकी भी सोचे ऐसी ही थी, बिल्कुल नया कोई नहीं सोच पाता था, कोई ना कोई बेस मिलता। जैसे कुलाम जी न्यूटन जी के फार्मूले को कॉपी किया, ग्रेविटेशन के लिए बताया उन्होंने, दो मास हो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की गैपिंग के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे कुलाम जी बोल दिए या प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? नोट हुआ ये? यानी शेयरिंग में तीन चीजों को पूछा जा सकता है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ चार्ज, बचा खुचा आवेश कितना है, या ट्रांसफर्ड चार्ज, कितना चार्ज स्थानांतरित हुआ पहले से दूसरे पर, कितना मूव किया। और सबसे आसान वाला कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या फार्मूला जी? कॉमन पोटेंशियल को भाई दो फार्मूला याद है हमको, एक तो होता है नेट चार्ज बाई नेट कैपेसिटी, माने क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी वन प्लस सी टू, और दूसरा थोड़ा बड़ा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाई सी वन प्लस सी टू, डिनोमिनेटर में सी वन प्लस सी टू ही रहता है। कॉमन पोटेंशियल पर ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हो जाए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम। फार्मूला एकदम जुबान पे हो जाए। डेल्टा यू फार्मूला याद हुआ? लॉस इन एनर्जी, कितने लोगों को याद हो गया लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू? एक बार फिर बोर्ड को देखिए, बोर्ड में देखिए डेल्टा यू गौर से देख लीजिए एक बार, हो गया है? आप कितने लोग तैयार हो? चलिए ठीक, चलिए आप सुनाइए। ठीक बोल रही, चलिए आप सुनिए भाई, आप सुनिए। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक बैठिए, थैंक यू। याद है सबको ना कॉमन पोटेंशियल? चलिए आप बताइए कॉमन पोटेंशियल का, V का कॉमन पोटेंशियल V, आप बताइए कॉमन पोटेंशियल का। अरे और एक तो दो ही फार्मूला लिखाए हैं। चलिए आप बताइए पीछे, आप बताइए कॉमन पोटेंशियल का पीछे, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप बोलिए कॉमन पोटेंशियल फार्मूला। दो लिखवाए दोनों बताइए, चलिए एकदम पीछे। हाँ
और एक बताओ कॉमन पोटेंशियल का, मैंने इतना तकलीफ हो रही है, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी वन प्लस सी टू। बैठिए बैठिए भाई, फार्मूला तुरंत याद करिए, वही तो आपके लिए टूल है, वही हथियार है, बिना उसके कैसे आप काम कर पाए। कॉमन पोटेंशियल के दो फार्मूला, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी वन प्लस सी टू। चार्ज ने पता हो तो बड़ा वाला लगाइए, क्यू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाई सी वन प्लस सी टू। और डेल्टा यू का फार्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा, हमको हल्का सा याद तो नहीं, लेकिन अभी हल्का सा एक धीरे देखेंगे याद हो जाएगा, याद हो गया। डेल्टा यू फार्मूला है, ऊपर प्रोडक्ट है सी वन सी टू, नीचे टू सी वन प्लस सी टू, बगल में ही हल्का सा भूल रहा है, अरे चाहे जो कहिए, चाहे वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर कहिए, चाहे वी टू माइनस वी वन होल स्क्वायर, आसान है कि नहीं भाई? नहीं है, एक बार में याद रहा तो टुकड़ों में याद करिए, पीस वाइज सेक्शन वाइज थोड़ा थोड़ा। एक थोड़ा नोट लिखिए फिर बताते हैं। कोई आज पूछे चार्ज का ये रिडिस्ट्रीब्यूशन फिर से बंटवारा हुआ क्यों? एक बॉडी पर तो अपना चार्ज बटा रहा होगा, दूसरे पर भी अपना बटा रहा होगा, जोड़ने के बाद कैसा बंटवारा हुआ? फिर से पुनः बंटवारा हो गया है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होने की कवायद की जड़ क्या है? जो एनर्जी में लॉस हुआ, चार्ज यहां से वहां गया है ना, ये सब झगड़ा उत्पन्न क्यों हुआ? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मेन काज क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस न हुआ था, चार्ज यहां से वहां न जाता, और जो चार्ज यहां से वहां जंप करके न जाता तो किसी तरह का नुकसान न होता। हमारी बात में सच्चाई है कि नहीं चेक कर लीजिए। इफ वी वन इक्वल टू वी टू, माने पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो, पोटेंशियल सेम हो, तब क्या होगा? तब डेल्टा यू जरा देखिए तो फट से बताइए, बोले डेल्टा यू क्या हो? वी वन और वी टू इक्वल हो जाए, क्या जाएगा? जीरो। और पोटेंशियल सॉरी इनर्जी में लॉस नहीं होगा, इनर्जी में लॉस नहीं होगा, कोई कुछ नुकसान क्यों नहीं हुआ? तार जोड़े नुकसान क्यों नहीं हुआ? आप कभी चार्ज यहां वहां नहीं गया होगा, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसकी मीनिंग क्या है? नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी, या और क्या बोल सकते हैं, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। न तो एनर्जी में लॉस होगा, न तो चार्ज का बंटवारा होगा। लिख लीजिए आप लोग और क्या, ये पूरा हटा दे रहे भाई, इधर मटर हटा दे। लीजिए एक आठ छोटा क्वेश्चन, मजा आ जाए थोड़ा। दो कंडक्टर है, स्फेरिकल, इनकी रेडियस कितनी है? आर वन और आर टू। दोनों का पोटेंशियल कितना है? अपना अपना पर्सनल वी वन और वी टू, यही सीन है, देखिए बस यही चीज दिया गया। और इनको एक ठो तार से जोड़ दिया गया, कनेक्टिंग वायर, कोई रस्सी से नहीं जोड़ रहे हैं, रस्सी से जोड़ दे रहे हैं। किससे जोड़ा जा रहा है? कंडक्टिंग वायर है, कोई लीड है, तार जोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर चार्ज का बंटवारा शुरू है कि नहीं? अब वी वन और वी टू में इक्वल नहीं है, है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा ये नहीं पता, लेकिन दोनों इक्वल नहीं, बस सीधी सी बात। बताइए एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा, तो वही बताना है आपको एनर्जी का लॉस। अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल, लीजिए दो क्वेश्चन बना दिया, एंड
लास इन, अभी फिर फार्मूला पूछते हैं इनर्जी में लास का तो कॉमन पोटेंशियल का फिर पूछते हैं, तैयार रखिए। जब तक इरेज कर रहे हैं तब तक अपना तैयार कर लीजिए, क्योंकि दो पर ही क्वेश्चन ही बनता है। आप कितने लोग बताएंगे कॉमन पोटेंशियल फार्मूला, जरा हाथ ऊंचा करें। ठीक, चलिए शगुन, V2 का होल स्क्वायर किसका बताए हैं आप? डेल्टा यू का। बेटी आप बताइए कॉमन पोटेंशियल का। हाँ बाई क्यू प्लस की टू बाई सिन प्लस टी, एक और बता दीजिए। ठीक बेटी, ये छोटा छोटा है ना, मैंने दो तीन बार बोल लेंगे तो फार्मूला आपका अपना हो गया, अब डर खत्म हो जाएगा। लीजिए सोल्यूशन देखिए, इस सवाल कितने लोग लगा सकते हैं, जरा हाथ चक्र एक बार। ठीक चलिए एक हम लगा दे रहे हैं, अगला वाला आप रफ्तार में बता दीजिएगा आंसर, ऐसे ओरल बोल दीजिएगा। देखिए आपको चाहे कॉमन पोटेंशियल निकालना हो चाहे डेल्टा यू निकालना हो, दोनों में सख्त जरूरत है C1 और C2। भाई C1 C2 पता हो, V1 V2 पता हो, बाकी जो मन चाहे सो निकालिए। तो V1 V2 तो पता है पोटेंशियल दोनों का, C1 C2 निकाल लीजिए। आप बताइए कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल, स्फेरिकल है तो C1 कितना, अरे वही फार्मूला 4π0KA, माने रेडियस। दूसरे बताइए 4π0KA, माने वही रेडियस, समझ गए? df रेडियस निकालिए कैपेसिटी फट से। अब हो गया, जब ये आ गया तो जो चाहे सो निकालिए। नाउ वी इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल क्या फार्मूला, C1 V1, और बोलिए C2, और डिनोमिनेटर में बोलिए बोलिए C1 V1, C1 मतलब 4π0KR1, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि टर्म बहुत लिखना है, प्लस C2 V2 4π0KR2, और इनटू डिनोमिनेटर में नीचे क्या लिख दें, C1 प्लस C2 4π0KR1 प्लस 4π0K इनटू R2। क्या ऊपर से कॉमन होगा कुछ पता पता है आपको, 4π0K नीचे भी है यार, अब मन में कंसीड नहीं कर दें क्या आएगा आंसर, R1 V1 प्लस, और डिनोमिनेटर में R1 प्लस। तो बड़ा अच्छा टोन मिल गया भाई, जो काम सी करता था वही काम सी के रेडियस करने लगा, हो गया एक आंसर आ गया। 4π0 के ऊपर भी था कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉस इन एनर्जी बोलिए, लॉस इन एनर्जी डेल्टा यू क्या लिखते हैं जी, पहले फार्मूला दिखाई, C1 into, और नीचे 2 into, और बगल में बस ये फार्मूला चाहिए था हमको। अब आप वैल्यू रखिए, C1 into C2 जब करने चलेंगे आप तो ये हो जाएगा आपके लिए, लिखे दीजिए 4π0KR1 into 4π0KR2, और डिनोमिनेटर में 2 into एडिशन करना है, जोड़ेंगे जब एक बार कॉमन ले लीजिए ना, इंटू 4π0K बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 plus R2, अब बगल में V1 minus V2 का होल स्क्वायर। भाई कॉमन कहां लेते हैं, कॉमन वर्ड कहां लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉमन टर्म नहीं बोला जाता, कॉमन कहां सूट करता है, जहां प्लस है माइनस, तो ऊपर भाई नीचे प्लस में था तो कॉमन ले लिया हमने, तो 4π0K एक 4π0K से कैंसिल, लेकिन अभी एक तो बचा रहेगी भी ध्यान दीजिए। तो डेल्टा यू का फाइनल रिजल्ट आ गया आपके लिए, क्या जाएगा जी बोलिए जरा, और ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, 2π0K
ऊपर आर वन आर टू है, आर वन डिनोमिनेटर में आर वन प्लस, और यहां साइड में बगल में क्या है, किससे मल्टीप्लीकेशन, वी वन माइनस वी टू के होल स्क्वायर। दिस बी द फाइनल आंसर। माने हम लोग बहुत संतोषी प्रवृत्ति के, जितना डाटा दिया रहता है उसी में आंसर ला देते हैं। ऐसा लाना भी चाहिए भाई, यही आंसर तब मिलेगा। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन हटा देने वाला, क्वेश्चन हटा दे रहे। चार्ज कितना था ये सब नहीं बताया। अच्छा, पहले पर चार्ज कितना रहा होगा बता सकते हैं? हम बता सकते हैं। अरे क्यू वन क्या होता है, सी वन वी वन होता है। सी वन मतलब फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के आर वन और इंटू वी वन, ये पहले पर चार्ज हो गए, दूसरे पर चार्ज निकाल लेगा, है कि नहीं। चलिए फिलहाल जो बातें पूछी गई उसका जवाब हो गया था। क्या हुआ, कहीं दिक्कत है क्या, ये समझ में आया पिछला? एक आप लोग लगाइए और हो सके तो जवाब दे दीजिए जल्दी से। और सेंटेंस में लिखा रहता है तो हम लोग चित्रकारी कर दिए थे। दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनके डायमीटर्स d1 और d2, और उनको कहां तक चार्ज किया गया है। अच्छा, सेंटेंस वैसे लिखा रहता है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग डायमीटर्स d1 एंड d2 आर चार्ज्ड अप टू, क्या बताएंगे, कहा जा रहा चार्ज किया गया ना? आप सोच रहे होंगे कि वो कूलाम वाला चार्ज देगा, लेकिन कहा जा रहा चार्ज अप टू 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट, लेकिन दे दिया गया पोटेंशियल। टर्म है, टर्म पर ना घबराई, माने चार्ज अप टू कहा गया चार्ज ही देगा। चार्ज अप टू कहने के बाद चार्ज माने उस प्रोसेस का नाम दे दिया गया, भाई तार छुआ है, कब तक टार वायर टच कराए जब तक पोटेंशियल उसका 10 हो जाए, जब तक उसका 15 हो जाए ना। कहीं कहीं पर सेंटेंस पढ़ने से क्लियरिटी कम आती है तो उसका यूनिट देख के समझ लेते हैं। दो चार्ज, दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, उनके डायमीटर दे रहे हैं, और दोनों को कहां तक चार्ज किया गया है, वी वन और वी टू पोटेंशियल तक, और जैसे ही वायर टच कराते हैं तो आप बताइए कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। समझ गए, थोड़ा एक बार लिख लीजिए उसी लैंग्वेज जिसमें पेपर में दिखता है। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग डायमीटर्स कैपिटल डी वन एंड कैपिटल डी टू आर चार्ज्ड, सोच रहे हैं चार्ज देगा क्यू वन क्यू टू, लेकिन नहीं, चार्ज अप टू पोटेंशियल वी वन एंड वी टू सेपरेटली, फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग लीड। इतना बड़ा क्वेश्चन फालतू कराने के लिए। ऑप्शन दे दें, पहला डी वन वी वन प्लस डी टू वी टू बाय वी वन प्लस वी टू, बोलिए। दूसरा ऑप्शन डी वन वी वन प्लस डी टू वी टू बाई टू डी वन प्लस बी टू,
बी वाला आ? क्योंकि रेडियस नहीं है अब की बार, डायमीटर है। सी वाला ऑप्शन देखिए, डी वन वी वन प्लस डी टू वी टू। अभी भी दिमाग चलाते रहिए, हमारे बोलने से आपकी बात को समर्थन नहीं हुआ है ना, दिमाग चलाना है भाई। अगला ऑप्शन देखते देखिए गौर से, अस्थाई मत हो जाएगी, नहीं सही हो गया डी वाला, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी टू फोर का चक्कर नहीं लगेगा, सी वाला सही। क्योंकि जो ट्रीटमेंट आप ऊपर करेंगे डायमीटर में, रेडियस बाई टू डी मतलब रेडियस के फॉर्म में आप उसको चेंज करके लिखेंगे ना, तो वही नीचे भी हो जाएगा, फिर कैंसिल भी हो जाएगा। तो टोन पकड़ लीजिए, कॉमन पोटेंशियल का क्या फार्मूला, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाई सी प्लस सी टू। रेडियस पता है, आर वन वी वन प्लस आर टू वी टू बाई आर वन प्लस आर टू ना, और डायमीटर पता है तो डी वन वी वन प्लस डी टू वी टू बाई डी। हाँ याद रखिए, गलती से कहीं है इस पर मत क्लिक कर दीजिए पहले वाले पर, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की बोल्ट बचना चाहिए ना, तो बोल्ट वाला टर्म जैसे इसमें क्या है कि डायमीटर डायमीटर मल्टीप्लाई की डायमीटर वाला नीचे कैंसिल, वोल्टेज वाला यूनिट आएगा, और इसमें तो डायमीटर वाला मीटर में यूनिट आ जाएगा। बोल रहे हैं तो अपना यूनिट से चेक कर लिया करिए भाई कौन सही होगा, और नंबर में टू फोर ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, समझ गए होंगे। इस पर आप लोग क्वेश्चन करिएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी कंडक्टर पूरी तरह समाप्त हुआ, कल से कंडेंसर स्टार्ट होगा, पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, और इस संडे को पूरा पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टेट, कूलाम्स लॉ, गॉस थ्योरम, कैपेसिटर सब आना है। पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन लगभग सबके रहे, अच्छे से तैयार कर लीजिए। सोल्यूशन देखिए भाई आप लोग भी, आ गया सबका कि नहीं आ गया? ठीक, C1 क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और A होता है, A माने रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर D1 है तो डायमीटर का हाफ क्या आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू D1 होगा। C2 माने दूसरे कैपेसिटी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू A, कल वाला रिजल्ट, ए क्या होता था रेडियस, तो रेडियस क्या होगा दूसरे का भाई डायमीटर डी टू है, तो रेडियस आधा होता है, तो डी टू बाई टू कर दीजिए, टू से कैंसिल कर दीजिए, टू पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी टू। बोलिए, सिंस कॉमन पोटेंशियल फार्मूला एकदम जुबान पर है, क्या होता है दिखाई एकदम ओरिजिनल एकदम ब्रांडेड वाला, प्लस सी टू वी टू, और नीचे क्या आता है जी, नीचे वी वन प्लस वी टू है, सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू, पोटेंशियल निकाल रहे, पोटेंशियल वाली यूनिट ऊपर बचनी चाहिए, नीचे पोटेंशियल ना लगाइए। अब आप यहां से ऊपर क्या लिखेंगे, टू पाई एप्सिलॉन नॉट के ना, दोनों में है, और ये यहां वी वन है, टू पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में क्या डी वन, नहीं डी वन वी वन, और यहां ब्रैकेट में डी टू वी टू, और डिनोमिनेटर में सी वन प्लस सी टू है, दोनों को ऐड करना है, कॉमन वाला बाहर ले लीजिए ना, टू पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल डी वन प्लस डी टू बचेगा। ये पार्ट वेनिश कर गया, यही फाइनल रिजल्ट आ गया, डी वन वी वन, चाहे रेडियस पता हो चाहे डायमीटर पता हो, पैटर्न वही रहेगा बाई डी वन प्लस। ये आपका आंसर, कल टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर, शॉर्ट में स्मार्ट लैंग्वेज में कैप्स कहते हैं, कैप्स कल चलेगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।